गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग। शांतनु स्थाडाई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप देखने जा रहे हो दार्जिलिंग सफर का तीसरा और आखिरी एपिसोड। इस समय हम दार्जिलिंग से निकल रहे हैं वापस सिलीगुड़ी के लिए। आज हमको सिलीगुड़ी ले जाने वाले हैं संजोग भैया। आप संजोग भैया से इससे पहले ही मिल चुके हो मिरिक वाला वीडियो में। अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शांतनु स्थाडाई में आप देख रहे हो दार्जिलिंग का सफर और ये इस सफर का तीसरा और आखिरी एपिसोड होने वाला है। इस एपिसोड में आज हम वापस सिलीगुड़ी जाएंगे और संजोग भैया हमें कार्शियंग घुमा के सिलीगुड़ी ड्रॉप करने वाले हैं। और इसी के साथ ही हम आ चुके हैं आज का पहला पॉइंट चिमनी में। यहाँ पे 24 फीट ऊंचा और 100 साल पुराना एक चिमनी आपको देखने को मिल जाएगी जो अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाया था और इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा चिमनी। इसके बाद हम आगे बढ़ने लगे हमारी नेक्स्ट पॉइंट की ओर और कुछ ही देर में हम एंटर किए डाउ हिल फॉरेस्ट में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था डाउ हिल पार्क, जिसे डियर पार्क भी कहा जाता है। ये एक खूबसूरत पार्क है लेकिन यहाँ पे हमें कोई डियर नहीं दिखा, तो आप चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। डाउ हिल पार्क से निकल के हम आगे बढ़ने लगे हमारी नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगर आपने दार्जिलिंग सफर का पिछले एपिसोड्स नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। और इसी तरह से हम चले आए हमारी नेक्स्ट पॉइंट हनुमान टॉक पे। यहाँ पे हनुमान जी की एक विशाल मूरत और मंदिर है और उसके पीछे है टी गार्डन। कार्शियंग का इस खूबसूरत टी गार्डन को आप देख सकते हो। दार्जिलिंग का ये सफ़र आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगने से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
हनुमान टॉक से निकल के हम चले आए हमारी नेक्स्ट पॉइंट में, और वो है गिद्दा पहाड़ व्यू पॉइंट। यहाँ पे आके थोड़ा बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाने से आप भी ऐसे खूबसूरत नज़ारा देख पाओगे। गिद्दा पहाड़ व्यू पॉइंट के ऑपोजिट में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम। इसके बाद हम चले आए एक और व्यू पॉइंट में जहां से नजारा था कुछ ऐसा। और इसी के साथ ही समाप्त होती है संजोग भैया के साथ हमारा आज का सफ़र। उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगने से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दार्जिलिंग का ये सफ़र यहीं पे ख़त्म होती है। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए एपिसोड में, एक नए लोकेशन में। फ़िलहाल अभी के लिए अलविदा।